नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे बिहार की 3 सीटों पर जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसको लेकर। जी हां, आपको मैं बता दूं कि बिहार की 3 सीटों पर अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो है एनडीए को बढ़त मिल रही है। देखिए, अगर मैं बात करूँ अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी सामने आ रहे हैं और इस सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। देखिए, अगर मैं बात करूं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बिहार की 3 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, लोगों ने नीतीश कुमार को वोट किया है। जी हां, देखिए ये बात सामने आ रही है। अगर आपको मैं रुझान की बात बता दूं तो रुझान में देखिए इस वक्त अररिया सीट से बीजेपी के प्रदीप सिंह जो है 23 कह सकते हैं कि 2321 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं जहानाबाद सीट से दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है उसमें भी जेडीयू के उम्मीदवार अभिराम शर्मा 21 वोटों से आगे चल रहे हैं। देखिए, भभुआ सीट से बीजेपी उम्मीदवार रिंकी पांडे 2225 वोटों से आगे चल रही हैं। तो देखिए, जिस तरह की काउंटिंग चल रही है, रुझान सामने आ रहे हैं, वाकई में जिस तरह से देखने को भी मिल रहा है कि जेडीयू को यहाँ पर देखिए कह सकते हैं कि बढ़त जिस तरह से देखी जा रही है। और जिस तरह से अगर हम बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू भी जो है जिस तरह से बढ़त रख रखा है, उन्होंने बढ़त में है, तो कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी और जेडीयू के बीच में चल रहा है, तो आगे पीछे का जो है यहाँ पर फासला देखने को मिल रहा है। आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि जो शुरुआती रुझान थे उसमें अररिया लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम आगे चल रहे हैं। जी हाँ, जो शुरुआती रुझान है, आपको मैं बता दूं कि बिहार की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है और शुरुआती रुझान में अररिया से आरजेडी के उम्मीदवार सरफराज आलम, जहानाबाद से आरजेडी उम्मीदवार सुदय यादव और भभुआ से बीजेपी के उम्मीदवार रिंकी रानी पांडे आगे हैं। देखिए, जो रुझान सामने आ रहे हैं उसकी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, राज्य की जहानाबाद और भभुआ विधानसभा सीट और अररिया लोकसभा सीट पर बीते दिनों उपचुनाव के लिए वोट डाले गए थे और वोटों की गिनती जो है आज जो है सुबह 8 बजे से शुरू हुई है और जो नतीजे आने तक जो है पता चल रहे हैं उसमें देखिए बीजेपी और जिस तरह से कह सकते हैं कि आपको मैं बता दूं कि आरजेडी के उम्मीदवार जिस तरह से देखिए एक अलग ही यहां पर देखने को मिल रहा है, अलग ही देखने को मिल रहा है, कोई आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है। अभी फिलहाल जो है रुझान चल रहे हैं और कोई आगे है तो कोई पीछे है। और आपको मैं बता दूं कि मतगणना जो केंद्र है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, जहानाबाद विधानसभा में कुल 2,86,098 मतदाता हैं जिसमें से 51% मतदाताओं ने वोट डाला था। इस सीट पर कुल 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वहीं भभुआ विधानसभा सीट बीजेपी के आनंद भूषण पांडे के निधन के बाद खाली हुई थी। बीते दिनों जो है 326 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए थे जबकि ईवीएम में तकनीकी खामी के चलते 25 मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डाले जा सके थे। इसके अलावा अररिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी जो है आज सामने आ जाएंगे। इस सीट पर बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल राजद के बीच में प्रतिष्ठा की लड़ाई है। जी हाँ, देखिए राजद और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई है। कहने के लिए यह है कि आरजेडी के सरफराज आलम और बीजेपी के प्रदीप सिंह मैदान में हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जी हाँ, देखिए जिस तरह से देखने को मिला और रुझान जो है बिल्कुल यहाँ पर सामने भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा देखने को यहाँ पर मिल भी रहा है, मैं कहीं ना कहीं जिस तरह आज देखिए बहुत बड़ा जो है फैसला होगा और पता चल जाएगा कि आखिरकार किस में कितना दम है। जिस तरह से 3 सीटों पर जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और 3 जो सीट है वहाँ पर कोई प्रत्याशी आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए नेताओं की जो सांसें हैं वो थम सी गई हैं और बस इंतज़ार इस बात का है उन लोगों को कि आखिरकार कैसे क्या जो है रुझान सामने आएंगे और किस तरह से जो है क्या फैसला आएगा। आपको मैं बता दूं कि एसपीएन 9 न्यूज़ जो है आपको हर पल हर अपडेट की जो है खबर देता रहेगा। चुनाव से जो संबंधित जितनी भी जानकारी है हम आपको बताते रहेंगे, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है इसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। तो आप एसपीएन 9 न्यूज़ से जुड़े रहिए और यूपी जिस तरह से बिहार की 3 सीटों पर जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं
वो देखने के लिए आप SPN9 न्यूज से जुड़े रहिए। और जैसा कि हम आपको जानकारी अभी बता भी रहे, तो वाकई में देखिए जिस तरह का अब की बार देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ जिस तरह से जो नतीजे सामने आ रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई प्रत्याशी आगे है तो कोई प्रत्याशी पीछे है, तो वाकई में ये चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। और जिस तरह से आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात आ चुकी है, और जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और RJD कहीं ना कहीं देखिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और जिस तरह से यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है कि कोई प्रत्याशी आगे चल रहा है तो कोई पीछे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर जो नतीजे अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं आते हैं तो बीजेपी को जो है खासा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। हालांकि देखिए ये तो जनता ने तय कर लिया है, जनता ने वोट दिया है, अभी तो गिनती शुरू हुई है, रुझान जो है सामने आ रहे हैं धीरे धीरे। और जिस तरह से इसमें देखने को मिल रहा है कि जो बढ़त बनाई हुई है जिस तरह की, वो वाकई में अपने आप में बहुत अलग है। जी हाँ, देखिए तीनों सीटों पर इसमें इस समय जो है NDA को बढ़त मिलती हुई भी जो है नजर आ रही है। तो वाकई में ये सब चीजें दर्शाता है कि किस तरह से जो है वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, रुझान सामने आ रहे हैं। तो नेताओं की अगर हम बात करते तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो नेता होते हैं उन्हें इंतजार इस बात का होता है कि जनता उन्हें वोट दे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ नेताओं की, तो नेताओं के अंदर भी बहुत सी खामियां होती हैं। देखिए चुनाव के वक्त जो है वो कई कई बात का ऐलान करते हैं, कई बातों को रखते हैं, कई तरह से जो है कह सकते हैं कि वोटर से उनको लुभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होते और चुनाव से पहले की अगर हम बात बताते हैं, तो चुनाव से पहले देखिए वो जनता की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जनता की तरफ बिल्कुल उनका कोई कह सकते हैं कि उनकी तरफ कोई उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, उनकी क्या समस्या है उस पर कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन जब कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं और जब चुनाव निकट होते हैं, तो ऐसे में देखिए वो जनता की तरफ ध्यान देने लगते हैं, उनके समस्याओं पर बात करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए वोटर्स को लुभाने के लिए ये एक एक तरह का जो है हथकंडा अपनाया जाता है, एक तरह की रणनीति बनाई जाती है। इससे कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि ये केवल और केवल जिस तरह से वोटर्स को लुभाने के लिए प्रक्रिया की जाती है, ये गलत है। क्योंकि देखिए जब केवल चुनाव के समय ही जो है नेताओं को लोगों की याद आ जाती है, और चुनाव के समय ही जो है बात करें तो चुनाव के समय ही नेताओं को लोगों की समस्याएं याद आती है, तो ये सब चीजें इस और दर्शाता भी है कि वाकई में जो जो कह सकते हैं चुनाव है वो कितना अहम रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अगर हम जनता की बात करते तो जनता भी जो है वो कहती है और वो धैर्य रखती है, क्योंकि जब चुनाव सामने होते हैं और जब वोटिंग करनी होती है तो उस दौरान जनता पूरे सोच समझ कर वोटिंग करती है, और उसे पता होता है कि आखिरकार वोट किसको देना है। और जिस तरह से यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि जो तीनों सीटों हैं वहाँ पर फिलहाल NDA की बढ़त बनाई हुई है, तो देखिए इन सब चीज़ों से साफ पता चलता है कि जिसने काम किया होता है, या फिर जो पार्टी काम करती है, या फिर जो पार्टी एक रणनीति बनाती है, वो रणनीति सफल साबित होती है तो पार्टी जीत जाती है। देखिए आपको हम बार बार यही बता रहे हैं कि आप SPN9 न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, और जितने भी अपडेट हैं, जितने भी रुझान हैं, हम आपको बताते रहेंगे, पल पल की अपडेट आपको जानकारी देते रहेंगे, पल पल की खबर आपको देते रहेंगे, चुनाव से संबंधित जितनी भी जानकारी है हम आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए आप SPN9 न्यूज से जुड़े रहिए। और इस वक्त अगर मैं आपको बता दूं कि जो बड़ी खबर है वो यही है कि अभी फिलहाल तीनों सीटों पर, बिहार की तीनों सीटों पर NDA को बढ़त मिलती हुई जो है नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह का रुझान यहाँ सामने आ रहा है, और जिस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वाकई में ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से जो है वोटिंग, जो चुनाव के नतीजे सामने आते हैं तो नेताओं की दिलों की धड़कनें जो है वो एक बार को जो है बहुत धीमी हो जाती है, और उन्हें बस चिंता इस बात की सताने लगती है कि आखिरकार कौन जो है चुनाव जीतेगा और कौन बाजी मारेगा। तो देखिए तमाम तरह की यहाँ पे जो है बातें सामने देखने को भी मिलती है। और जिस तरह की अगर हम बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर, तो देखिए वाकई में चुनाव को लेकर अगर हम बात तो कर ही रहे, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव के वक्त ही जो है नेताओं को जनता की याद आती है, लेकिन नेता चुनाव के वक्त ही जनता को याद करते, चुनाव से पहले जो है वो जनता की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये सब चीज़ें दर्शाता है कि वोट बैंक के चक्कर में किस तरह से जो है नेता
वो कहीं ना कहीं जो है लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम रुझान की अभी बात कर लेते हैं तो जिस तरह से देखिए रुझान की जो सामने आ रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त बताया जा रहा है कि अररिया और भभुआ से जो है बीजेपी आगे है और जहानाबाद में आरजेडी को जो है बढ़त मिल रही है। तो देखिए अभी रुझान सामने आ रहे हैं और चल रहे हैं, नतीजे भी सामने आ रहे हैं और बात ये तो कह सकते हैं कि कुछ देर बाद जो है पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन जो है इन तीनों सीटों पर किसने चुनाव जीता है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हर पल की जो है अपडेट, हर पल जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और SBN9 News से जुड़े रहिए। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जाजा दीजिए, नमस्कार।